कंसेप्ट नीड एंड पर्पज ऑफ ऑडिट का हम लोग ये सेकंड क्लास है, ध्यान से सुनिएगा। पहला हम लोग का क्या भाई, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट। एक ऑडिट को करने के लिए एक ऑडिटर को कौन सा प्रिंसिपल्स को गवर्न करना चाहिए, कौन सा उसका सिद्धांत होना चाहिए एक ऑडिटर का। बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट, जब ऑडिट कर रहे हैं तो आपका बेसिक सिद्धांत क्या होना चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होना चाहिए, समझ पा रहे हैं? इसका बात लिखा हुआ है ए से 200 का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऐसे का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जैसे अकाउंट्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है AS, वैसे ही ऑडिट के लिए ए से बनाया गया है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये ए से 200 से ही चालू होता है, इसका नंबरिंग 1-2 से चालू नहीं होता है। ये कहाँ से चालू होता है, 200। अच्छे से सुनिए, एकदम कॉन्सेंट्रेशन को हाईएस्ट लेवल पर रखिए। बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट, जब एक ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो उसका बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होना चाहिए, उसका बेसिक सिद्धांत क्या होना चाहिए। प्रिंसिपल समझते हैं, प्रिंसिपल माने क्या होता है, सिद्धांत। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे मान लीजिए सूरज प्रत्येक दिन पूर्व दिशा से उगेगा, पश्चिम में डूबेगा, ये एक प्रिंसिपल है। ये क्या है, समझ पा रहे हैं? माने प्रिंसिपल को तोड़ नहीं सकते हैं, जो है वो आपको फॉलो करना होगा। तो पहला है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। बोलो क्या बोले, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस, जोर से बोलो। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑडिटर शुड बी ऑनेस्ट, ऑडिटर शुड बी ऑडिटर को क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, जिस ऑब्जेक्ट के लिए गए हैं ना, जो इस उद्देश्य के लिए गए हैं, हम ऑडिट करने गए हैं तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि सच्चाई के साथ ऑडिट करना, उस सच्चाई के साथ हम आपका क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी। तो पहला क्या, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस। हम किसी के इशारों पे काम करने वाले नहीं है, स्वतंत्र होकर के हम ऑडिट करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, समझ पा रहे? तो पहला क्या होना चाहिए, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। बोलो क्या बोले, माने ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए गए हैं उस ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे, और इंडिपेंडेंस होकर के काम करेंगे, किसी के इंटरेस्ट में आकर के काम नहीं करेंगे, किसी के मन मुताबिक हम काम नहीं करेंगे, समझ पा रहे? दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नॉट लीक एट एनी कॉस्ट टू द थर्ड पार्टी। आप ऑडिटर हैं, ऑडिट करने जा रहे हैं, तो किसी कंपनी का आपके पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को थर्ड पार्टी के पास कभी आपको लीक नहीं करना है, थर्ड पार्टी को नहीं देना है। आप ऑडिटर हैं, ऑडिट करने जा रहे हैं, आपके पास उसका बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जरूरी वाला इंफॉर्मेशन है, ये कभी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ ऑडिटर को होना चाहिए, इसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या कहते हैं हम लोग, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। बोलो क्या बोले हैं, ऑडिटर के पास ऑडिट करने का क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। स्किल माने क्षमता होना चाहिए, उस तरीका का नॉलेज होना चाहिए, उस तरीका का वो ट्रेनिंग लिया हो। और कॉम्पिटेंस होना चाहिए, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि हम समझ पा रहे हैं उस काम के लिए प्रॉपर फिट बैठे, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है हमारे अंदर वो क्षमता होना चाहिए, इसको कहते हैं स्किल एंड कॉम्पिटेंस। तो ऑडिटर के पास क्या होना चाहिए, स्किल एंड कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का मतलब लायक होना चाहिए। नेक्स्ट, वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स, वर्क परफॉर्म बाय ऑडिटर दूसरे के कामों को भी क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, क्योंकि सारा चीज़ तो खुद चेक नहीं करेगा, सारा चीज़ खुद चेक करना ऑडिटर को एक पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल। मान लीजिए कोल फील्ड का ऑडिटर ऑडिट करने चला गया और कोल माइन में कोयला है, स्टॉक को चेक करना है। अब बताइए, ऑडिटर तो पढ़ाई करके आया, चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ाई करके आया, कोल फील्ड में ढुकने का प्रैक्टिस थोड़ी लिया है, तो किसको भेजेगा, एक्सपर्ट को, एक्सपर्ट को भेजेगा कि जाओ तो देखो तो कोल फील्ड में स्टॉक जो 1 करोड़ का दिखा रहे हैं, 1 करोड़ का है कि नहीं है, समझ पा रहे हैं? तो दूसरे का काम को भी ऑडिटर इस्तेमाल करेगा, समझ पा रहे? जैसे एक्सपर्ट का ऑडिट असिस्टेंट, सारा काम हम लोग खुद नहीं करते हैं, ऑडिटर का स्टाफ होता है, उसके काम को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, यूज करेगा, समझ पा रहे? वर्क परफॉर्म बाई अदर, दूसरे के कामों को भी ऑडिटर क्या करेगा, यूज करेगा। बताइए, सारा काम अकेला करना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल, सारा काम कैसे अकेला कर देगा ऑडिटर, समझ पा रहे? तो एक्सपर्ट का दूसरे व्यक्तियों का कामों का क्या करेगा, ये इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा। डॉक्यूमेंटेशन, एक ऑडिटर को डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, समझ पा रहे? और उस डॉक्यूमेंट को अपने पास रखना पड़ेगा,
उस डॉक्यूमेंट को अपने पास रखना पड़ेगा अप टू द 7 ईयर्स। अप टू द कितना ईयर? 7 साल तक हम जिसका ऑडिट करेंगे उसका एक्टो डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे और उस डॉक्यूमेंटेशन को अपने पास 7 साल रखेंगे। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर का इसको प्रॉपर्टी माना जाता है, समझ रहे हैं? कितना साल तक रहेगा भाई? 7 साल। कितना साल? क्यों 7 साल? क्योंकि हो सकता है कि हम ऑडिट करके चले आए और वो कंपनी मेरे ऊपर क्लेम करे कि हमने ऑडिट ठीक से नहीं किया, हम गलत कर दिए उसके साथ, किसी केस में फंसाए, तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन रहेगा तभी तो हम तो करेंगे। इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ऋषि रिपीट करो क्या बोले हैं अभी? 7 साल तक क्या रखेगा? क्या चीज़? डॉक्यूमेंटेशन। तो अच्छे से सुनिए, थोड़ा बंद कर दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन हाई स्पीड पर। भाई डॉक्यूमेंटेशन हम लोग फ्यूचर क्लासेस में समझेंगे कि किस किस तरीका का क्या क्या रहेगा, आएगा फ्यूचर क्लास में, टेंशन मत लीजिए। अभी समझ के रखिए कि डॉक्यूमेंट बना के रखेगा अपने पास कितना साल? 7 साल। ये प्रॉपर्टी किसका होता है? ऑडिटर का, ताकि किसी केस में फंसाए नहीं। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? हो सकता है कि भाई क्लेम करे और 7 साल के बाद कोई क्लेम करेगा तो उसका क्लेम माना ही नहीं जाएगा, उसका क्लेम नहीं माना जाएगा। कुछ पूछना है भाई? आगे बढ़ते, कुछ पूछना आपको? प्लानिंग। ऑडिटर जब ऑडिट करने जा रहा है तो ऑडिट प्लान उसको कर लेना चाहिए। जब ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है तो ऑडिट प्लान कर लेना चाहिए कि हमें कैसे कैसे ऑडिट को करना है, कैसे कैसे ऑडिट को। और ऑडिट को करने से पहले जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हो उसका बिजनेस का थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन ले लो, जनरल इन्फॉर्मेशन ले लो, तय कर लो कि कौन सा हमें डिग्री मिल जाएगा, कौन सा चीज़ मिल जाएगा कि हम उस पर भरोसा कर लेंगे उस कंपनी पर। समझ पा रहे? फिक्स डिग्री ऑफ रिलायंस, फिक्स डिग्री ऑफ भरोसे वाला एक तो डिग्री, मैंने हम लोग आगे ही सोच के जाते हैं ये चीज़ मिल जाएगा हम भरोसा कर लेंगे कि हाँ कंपनी ने ठीक से काम करेगा। तो ये आगे से प्लान करोगे तब तो चेक करोगे जाके, इसको कहते हैं ऑडिट प्लान। क्या कहते हैं? प्लान कर लीजिए उसका कैसा बिजनेस है, बिजनेस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए ना। सारा काम तो एक जैसा होगा, काम तो अलग अलग होता है, आपको डिफरेंट टाइप्स के काम मिलेंगे ऑडिट करने के लिए, तो ऑडिट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स का आपको काम मिलेगा तो आपको तो नॉलेज होना ही चाहिए। तो क्लाइंट का अखबार का नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, बिजनेस का जिस क्लाइंट का जो बिजनेस है उसका नॉलेज अखबार कर लीजिए। इस्टेब्लिशिंग फिक्स डिग्री ऑफ रिलायंस, एक तो डिग्री फिक्स कर लीजिए कि क्या क्या मिल जाएगा तो हम मान लेंगे कि ठीक है, क्या क्या मिल जाएगा तो हम मान लेंगे ठीक है। समझ पा रहे? इसको कहते हैं ऑडिट प्लान। क्या कहते हैं? आप प्लानिंग करके जाइए, बिना प्लानिंग का जाइएगा कुछ काम कर पाइएगा? अच्छा नॉर्मल लाइफ में ले लीजिए ना, नॉर्मल लाइफ में कोई भी काम करने जाइएगा बिना प्लानिंग का करना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? बिना प्लानिंग का करने जाइएगा फेल हो जाएगा काम, ठीक से होगा नहीं, समझे? तो ऑडिटर को ऑडिट करने से पहले क्या करना चाहिए? प्लानिंग करना चाहिए, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस जुगाड़ करें, प्रूफ जुगाड़ करें, प्रूफ, ताकि हम ऑडिट ओपिनियन दे पाएंगे। ऑडिट एविडेंस कहाँ से मिलेगा? प्रोसीजर लगा के। ऑडिट एविडेंस कहाँ से मिलेगा? और प्रोसीजर कितना तरीका था? कंप्लायंस और सब्सटैंटिव, जो कि लास्ट क्लास में हुआ है, कंप्लायंस और सब्सटैंटिव। फिर अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर सीधा सीधी बोल देगा अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल बनाना हमारा काम नहीं है, ये आपके मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट से करवाइए। समझ पा रहे हैं? अकाउंटिंग हम करने नहीं आए हैं, हम अकाउंटिंग को चेक करने आए हैं, इंटरनल कंट्रोल को चेक करने आए हैं, ये ठीक करना हमारा काम नहीं है, ये ठीक करना आपके मैनेजमेंट का काम है, ये सारा आपका मैनेजमेंट का जिम्मेवारी है। समझ पा रहे हैं? किसका बात करें? अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग एंड। और ये सब प्रिंसिपल नहीं पता रहेगा तो ऑडिटर को लेकर गलती हुआ, रुके ना बना देते तब चेक करोगे, तुम्हें बनाओगे तुम्हें चेक करोगे, कहानी गड़बड़ हो जाएगा ना। अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर का काम किसका काम है भाई? मैनेजमेंट। किसका काम है? आपका ऑर्गेनाइजेशन, आप समझिए, चेक करने हम चेक करके निकलेंगे। अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। और लास्ट में कंक्लूजन देगा, निष्कर्ष पे आएगा, रिपोर्ट करेगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का, समझ पा रहे, पोजिशन क्या है, रिपोर्ट करेगा। समझ पा रहे? रिपोर्टिंग बहुत तरीका का रिपोर्टिंग होता है, समझ रहे? पढ़ेंगे ऑडिट रिपोर्ट में टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, बोलो क्या बोले हैं? ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स में क्या क्या भाई? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, बोलो। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी, स्किल एंड कॉम्पिटेंस, स्किल एंड कॉम्पिटेंस। और क्या? वर्क परफॉर्म भाई, अदर्स, और डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, ऑडिट एविडेंस, और क्या? अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। अब इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच पड़ताल को करना। क्या करना? देखिए जांच पड़ताल हमेशा नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन में भी डिफाइंड है क्रिटिकल एग्जामिनेशन, क्रिटिकल एग्जामिनेशन, कौन सा एग्जामिनेशन? इन्वेस्टिगेशन में भी डिफाइंड है क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट।
समझ पा रहे? फॉर द कौन सा पर्पज? स्पेशल पर्पज। कौन सा पर्पज? स्पेशल पर्पज में हम जांच पड़ताल करेंगे। जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन को करता है उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेटर। क्या कहते हैं? क्लाइंट बुक में लिख के रखा कि 50 लाख रुपया हमारा लोग मार लिया, तो भाई नाजुक स्थिति है, क्रिटिकल है। इन्वेस्टिगेशन करके पता करो सच में इसका रुपया मारा कि नहीं मारा, नहीं तो हो सकता है कि झूठ मूठ का लिख दे बैड डेट 50 लाख। बैड डेट 50 लाख नहीं समझे तो बैड डेट 50 लाख है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखते हैं ना, बहुत इन्वेस्टिगेशन हमेशा नहीं होता है। पुलिस ऑफिसर हमेशा इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, लेकिन स्पेशल पर्पज हो जाता है। जैसे मर्डर हो गया तो उस रूम का इन्वेस्टिगेशन लेगा, उस जगह का लेगा स्पेशल पर्पज के लिए। तो वैसे ही इन्वेस्टिगेशन ऑप्शनल है, ये हमेशा नहीं होगा, लेकिन स्पेशल पर्पज आ जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन कराया जाएगा। ऑडिटर खुद करेगा कि इन्वेस्टिगेटर करेगा? कौन करेगा भाई? इन्वेस्टिगेटर। हमेशा होगा क्या? कब? स्पेशल पर्पज। मान लीजिए बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख कर रखा बैड डेट 50 लाख, तो भाई कौन मारा पैसा इसका तो पता करना होगा, सच बात है कि झूठ बात है ये तो पता करना होगा। नहीं तो लोग हो सकता है पैसा बचाने के लिए लिख दिए कि मेरा डूब चुका है 50 लाख, तो डूबा है तो कहाँ डूबा है इसे पता करना होगा ना। इसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेशन। क्या कहते हैं? तो इन्वेस्टिगेशन में भी डिफाइन एज, बोलो क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द स्पेशल पर्पज, फॉर द इट इज डन बाय इन्वेस्टिगेटर। इट इज डन बाय इट इज डन बाय क्या बोलेंगे? इन्वेस्टिगेशन में भी डिफाइन एज, बोलो क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, बोलो फॉर द स्पेशल पर्पज, फॉर द इट इज डन बाय इन्वेस्टिगेटर। इट इज डन बाय। अब दो चीज है, एरर और फ्रॉड। एरर और एरर का मतलब क्या होता है? मिस्टेक। एरर मींस एरर माने मिस्टेक होता है ड्यू टू इनोसेंस और नेग्लिजेंस। ड्यू टू इनोसेंस और नेग्लिजेंस, या तो हमें हो गया ऐसे, गलती तो होता ही है, जानबूझकर नहीं किया, इसको इनोसेंस कहते हैं। और नेग्लिजेंस का मतलब लापरवाही के कारण गलती हुआ। कुछ लोग लापरवाही होते हैं जन्म से, समझ पा रहे? वो गलती करेंगे ही करेंगे, जब तक वो गलती नहीं करेंगे उनका मन नहीं बढ़ेगा। कुछ लोग होते हैं नेग्लिजेंट, जानबूझ के नहीं, लापरवाह, समझ पा रहे? तो एरर मींस मिस्टेक, एरर मींस ड्यू टू इनोसेंस और नेग्लिजेंस। इनोसेंस के कारण मिस्टेक हुआ या तो नेग्लिजेंस के कारण हुआ, इसको हम कहते हैं एरर। क्या कहते हैं? एरर का मुंडे उठाओ। एरर माने मिस्टेक, एरर माने ड्यू टू इनोसेंस और नेग्लिजेंस, ड्यू टू इनोसेंस और नेग्लिजेंस। फ्रॉड का मतलब धोखा, 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 नहीं समझे? फ्रॉड मीन्स डिसेप्ट टू द पार्टी। फ्रॉड मीन्स पार्टी को हम लोग झांसा में ले लेते हैं, अपने जाल में फंसा लेते हैं, समझ पा रहे? इसको हम क्या कहते हैं? फ्रॉड। क्या कहते हैं? फ्रॉड मीन्स डिसेप्ट टू द पार्टी, पार्टी को अपने धोखा दिया है, समझ पा रहे? झांसा आपने दिया है, इसको हम क्या कहते हैं? फ्रॉड। क्या कहते हैं? समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? अच्छा, एरर को खोजना ना बहुत आसान है। हम कुछ गलती चेक कर देंगे ना, तो आप लोग कभी ध्यान से देखिएगा या पेरेंट्स को ध्यान से देखेंगे तो आराम से चेक हो जाएगा कि सर ने गलत था, साइन मार दिया। तो या तो हम इनोसेंस नहीं देखे, या तो हम लापरवाही बिना देखे साइन मार दिए, नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस, समझ पा रहे? वैसे ही कलर, कलर तो इनोसेंस के कारण कर रहा है, नेग्लिजेंस के कारण कर रहा है, तो आराम से पता चल जाएगा कि जोड़ने में गलती किया है, या एगो जीरो कम लिखा है, या गलत लिख दिया है, पता चल जाएगा। इट इज़ ईजी टू फाइंड। एरर को खोजना बहुत आसान होता है, एरर को खोजना, लेकिन फ्रॉड तो भाई तो धोखा देने के लिए काम हो रहा है, फ्रॉड को खोजना आसान नहीं होता है। इट इज बिट डिफिकल्ट, इट इज बिट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट होता है फ्रॉड को खोजना, फ्रॉड जल्दी नहीं पकड़ाता है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अच्छा, टाइप्स। एरर दो तरीका का होता है, क्लरिकल एरर और एक होता है एरर का प्रिंसिपल। क्लरिकल एरर माने कलर गलती कर दिया, और एरर का प्रिंसिपल माने सिद्धांत गलत है, वो आप उसको नहीं पता था, परचेज किया लिख दिया लाइबिलिटी में, अब परचेज का भी लाइबिलिटी में थोड़ी जाता है, नहीं पता था लिख दिया, नहीं समझे, उल्टा पुल्टा कर दिया, प्रिंसिपल ही नहीं पता उसे, नहीं समझे, जानकारी नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। एरर साफ प्रिंसिपल। अब मान लीजिए सैलरी पेड, सैलरी पेड को लिख रहा है लाइबिलिटी में, सैलरी पेड भाई लाइबिलिटी में होता है, पीएल में होता है, अब उसका सिद्धांत गलत है। तो एरर दो तरीका का होगा, क्लरिकल एरर्स और एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। बोलो क्या बोले? माने इट में बी टू टाइप्स, क्लरिकल एरर्स और एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। फ्रॉड तीन तरीका का होता है, सुन लो, फ्रॉड किधर किधर लोग करते हैं, फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन चलाओगे तो पता रहेगा तुम लोगों को।
फ्रॉड तो पहले करता है लोग, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, कैश में गड़बड़ी करता है लोग, कैश है, कैश में गड़बड़ी करता है लोग, जो स्टाफ कैश उठाएगा गड़बड़ का चांसेस बना रहता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, कैश को गड़बड़ी करेगा, किसको गड़बड़ करेगा, नहीं समझे, पैसा ले लेगा, सामान भी दे देगा, एंट्री नहीं करेगा, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ, नहीं समझे, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश का गड़बड़ी करेगा, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, गुड्स का गड़बड़ी करता है लोग, थोड़ा उनको दिखाइए इधर, भाई देखिए इधर, बढ़िया से देखिए, बढ़िया से एक्टिव, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ, तो आप मत बोलिए कुछ, देखिए बोलना नहीं देखना, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, बोले क्या बोले हैं, गुड्स का गड़बड़ी होता है, देखिएगा जो लोग गाड़ी चलाते हैं, जो लोग गाड़ी चलाते हैं, सब्जी लोड करते हैं तो 2-4 किलो सब्जी उनके घर में आ जाता है, या जो लोग कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का प्रोडक्ट उनके घर में आता है, तो कभी कभी कंपनी दे देता है तो वो गड़बड़ी नहीं हुआ, दे देता तो गड़बड़ी नहीं हुआ, गाड़ी चलाते उनको सब्जी दे दिया तो गड़बड़ी नहीं हुआ, लेकिन आप बिना बोले हुए निकाल के लेके चले आए, मैंने आप फ्रॉड किए, आपने फ्रॉड किया है, समझे, जो लोग जिस कंपनी में काम करते हैं उसका प्रोडक्ट पूरा घर में रहता है, नहीं समझे, उसका सामान पूरा घर में रहता है, अरे तुम काम कर रहे हो तो उसका सामान तुम्हारे घर में काम कर रहा है, यानी तुमने चोरी किया है, फ्रॉड किया है तुमने कंपनी के साथ, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का लोग गड़बड़ी करते हैं, नहीं समझे, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, समझे, और कितना लोग तो ऐसा गड़बड़ी करते हैं कि वो प्रोडक्ट उठा लाते हैं कंपनी से और घर में सस्ता में होलसेल खोल कर भेज देते हैं, फिर कंपनी चलाते हैं घर में भेज देते हैं, तो फ्रॉड कर रहे हैं भाई, सस्ता बेचता है लोग, दाम से कम, 20 रुपये का सामान 10 रुपये, लोग भी मजे में खरीदता है, 20 का सामान 10 में मिलता है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझे, तो यह फ्रॉड कर रहे हैं, पकड़े जाएंगे, सीधा बात, एक दो पीस लाए अपने यूज के लिए तो चलो उतना चलता है, लेकिन पूरा ला के तुम धंधा ही खोल दिए हो, मेरा माल नहीं है तुम्हारा, उसका माल तुम घर में ला के बेच रहे हो, तो फंसोगे, सीधा बात है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, बोलो क्या बोले हैं, और तीसरा है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को घुरा देगा, अकाउंट्स को ही समझे नहीं दे, आपको समझने नहीं देगा, हिसाब किताब को घुरा देगा, समझने देगा नहीं, समझ पा रहे, तो हिसाब किताब घुरा देगा तो उसको पकड़ना आसान नहीं है, मैनिपुलेशन इन अकाउंट, मैनिपुलेशन है, अच्छा ये एरर कौन करता है, लोअर लेवल स्टाफ, लोअर लेवल छोटा मोटा गलती लोअर लेवल तो करेगा, और ये लोअर लेवल का औकात है, फ्रॉड लोअर लेवल करेगा, देखिएगा किसी भी कंपनी में फ्रॉड हुआ है तो उसका डायरेक्टर इन्वॉल्व होगा, मालिक इन्वॉल्व होगा, नहीं तो उसका मैनेजर इन्वॉल्व होगा, समझे, PNB में जो फ्रॉड हुआ उसमें कौन इन्वॉल्व था, उसका सब टॉप लेवल का एम्प्लॉई इन्वॉल्व था, यस बैंक में जो घोटाला हुआ कौन इन्वॉल्व था, सब उसका टॉप लेवल का एम्प्लॉई इन्वॉल्व था, समझे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, तो फ्रॉड कौन करता है, टॉप लेवल का लोग फ्रॉड करते हैं, उनको हिम्मत रहता है, लोअर लेवल का लोग तो एरर करता है, समझे, फ्रॉड गड़बड़ी जो करेगा, बड़ा गड़बड़ी करेगा, ये कौन करेगा, टॉप लेवल का एम्प्लॉय करता है, समझे क्या बोले कि नहीं समझे, हर चीज़ को मैनिपुलेट करके रख देगा, तो इट इज इजी टू फाइंड, एरर को खोजना आसान है, बट फ्रॉड को खोजना इट इज बिट डिफिकल्ट, क्योंकि टॉप लेवल का किया है गड़बड़ी तो उसका टॉप लेवल का ब्रेन भी तो होगा, उसी हिसाब से गड़बड़ी किया, उसको खोजना थोड़ा टफ होता है, उसको खोजना क्लियर है क्या, तो एरर माने क्या होता है भाई, मिस्टेक ड्यू टू इनोसेंस और नेग्लिजेंस ऑफ स्टाफ, और फ्रॉड मीन्स डिसेप्ट टू द पार्टी, एरर दो तरीका का हो सकता है, क्लरिकल एरर्स, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, फ्रॉड तीन तरीका का, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स और मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स, और एरर कौन करेगा, लोअर लेवल कौन करेगा, और फ्रॉड कौन करेगा, टॉप लेवल, क्या करता है लोग, हाँ हर ऑर्गेनाइजेशन में, बढ़िया से नहीं करेगा तो फ्रॉड करके करेगा, समझे क्या बोले कि नहीं समझे, कौन सा लेवल, टॉप लेवल, कौन सा, एरर को खोजना इट इज ईजी, और फ्रॉड को खोजना इट इज बिट डिफिकल्ट, समझ गए हैं पक्का, एक लाइन लिख दीजिए लास्ट में, लिखिए।